हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक है बाइनरी टू डेसिमल और डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। लेकिन उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि बाइनरी नंबर्स क्या होते हैं और डेसिमल नंबर्स क्या होते हैं। बाइनरी नंबर्स में हम सिर्फ दो नंबर्स को यूज़ करते हैं, ज़ीरो और वन को। हम इसे इस तरह से मान सकते हैं, जैसे कि ज़ीरो मतलब लो और वन मीन्स हाई, या फिर ज़ीरो मीन्स फॉल्स, वन मीन्स ट्रू, या ज़ीरो मीन्स ऑफ और वन मीन्स ऑन। ये कुछ इस तरीके से है। सिर्फ दो ही कंडीशंस हो सकती हैं बाइनरी में, ज़ीरो और वन। और बाइनरी नंबर का जो बेस होता है वो ऑलवेज टू होता है, क्योंकि इसमें सिर्फ दो डिजिट्स यूज़ किए जाते हैं, ज़ीरो और वन। और किसी भी बाइनरी नंबर को हम इस तरह लिख सकते हैं, जैसे मैंने लिखा है 1100010, यानी हम कितना भी लंबा एक बाइनरी नंबर हो सकता है, हमें गिवन हो सकता है। आगे चलते हैं हम, तो डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर क्या होते हैं? डेसिमल नंबर 10 होते हैं, 0 to 9। 1 to 10 9 नंबर हो गए, प्लस 0 10 नंबर हो गए। तो ये बेस इसका 10 होता है बाइनरी नंबर का, इस डेसिमल नंबर का। डेसिमल नंबर्स जैसे हमने ये लिखा 3, 5, 2, ये भी एक डेसिमल नंबर है, इसका हमने बेस 10 लगा दिया। तो अब हम सीखेंगे डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। डेसिमल टू बाइनरी को कन्वर्ट कैसे करते हैं, अगर हमें डेसिमल नंबर दिया हो और हमें उसे बाइनरी में कन्वर्ट करना हो। तो पहला क्वेश्चन, हम दो क्वेश्चन लिए हैं हमने। पहला है हमारा 14, मान लो हमारा 14 क्वेश्चन है और हम 14 एक डेसिमल नंबर है, हमें इसे बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो हमने हमें इसको 2 से डिवाइड करते जाना है, क्योंकि इसमें सिर्फ 0 और 1, 0 और 1 दो ही नंबर्स यूज़ होते हैं, तो हम इसमें 2 से ही डिवाइड करेंगे। तो 2 के टेबल में 14 आता है, यस। तो 2 7 14 होता है, अगर हम इसको डिवाइड करेंगे 2 14, तो 2 7 14, तो रिमाइंडर क्या बचने वाला है? 0 बचने वाला है। तो इस रिमाइंडर्स को हम बाइनरी नंबर मानेंगे। तो जितने भी रिमाइंडर्स बचेंगे हम उन्हें साइड में लिखते जाएंगे। तो इसमें रिमाइंडर 0 बचा, फिर हम करते हैं 2 2 3 6, इस बार हमारा रिमाइंडर कितना बचेगा? 2 3 6, यानी 7 है यहाँ, तो हमारा रिमाइंडर 1 बचेगा। तो हम उस रिमाइंडर को यहाँ लिखेंगे। नेक्स्ट फिर से करते हैं 2 1 2, इस बार हमारा 2 हो गया, इस मीन्स हमारा यहाँ फिर से 1 बच रहा है, तो हम फिर से यहाँ 1 लिखेंगे। और उसके बाद ये हमारा बाइनरी में कन्वर्ट हो गया। अब इसे लिखते कैसे हैं? इसे हम नीचे से ऊपर की तरफ, यानी यहाँ से स्टार्ट करते हैं ऊपर की तरफ, और ये इसको हम इस तरह लिखते हैं। ये हमारा डेसिमल नंबर है, इसको बाइनरी में कन्वर्ट किया तो 1110 और बेस 2, इट मीन्स ये इसका बाइनरी नंबर हो गया। तो अगला क्वेश्चन है हमारा 175, सेम उसी तरह करेंगे। 175 लिखा, 2 से स्टार्ट करेंगे, तो ये हो गया 2 8 16 और 2 7 14, 14 इट मीन्स यहाँ पे लास्ट में एक 1 बचेगा, फिर 2 4 8 और 2 3 6, यानी ये 87 है और ये 43, तो एक रिमाइंडर फिर से बच रहा है। इसमें रिमाइंडर्स हम लिखते जाएंगे साइड में, 2 2 4 और 2 1 2, फिर अगेन एक रिमाइंडर बच रहा है, क्योंकि ये 21 into 2 42 होता है, तो इट मीन्स एक रिमाइंडर है, यानी 2 10 20 होता है और ये 21 है, इट मीन्स एक रिमाइंडर फिर से बचेगा। 2 5 10, इस बार हमारा 2 5 10 हमारा पूरा निकल गया, इट मीन्स ये हमारा 0 रिमाइंडर बचेगा इसमें। फिर 2 2 4 अगेन, तो इस बार हमारा कितना रिमाइंडर बचेगा? 1 रिमाइंडर बचेगा। फिर हम चलेंगे 2 1 2 पे, इस बार हमारा पूरा का पूरा कट हो गया, इट मीन्स हमारा यहाँ पे 0 बचेगा रिमाइंडर। अब हम इसको लिख लेते हैं, 175 एक डेसिमल नंबर है और इसको हमने कन्वर्ट कर दिया है बाइनरी में। यहाँ से ऊपर की तरफ जाएंगे तो यानी 1 0 1 0 1 1 और अगेन 1 1, ये हो गया हमारा बाइनरी में। आगे चलते हैं और करते हैं, अब हम डेसिमल टू बाइनरी तो आ गया, अब हम करेंगे बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन। तो जैसे कि ये हमारा, अब कोई भी बाइनरी नंबर हो सकता है, अब जिस तरह से हमें ये एक बाइनरी नंबर दिया गया है, अब इस बाइनरी नंबर को हम पहले खोल खोल कर थोड़ा दूर दूर लिख लेते हैं। ये इजी मेथड है एक करने का इसको, बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन। हमने इसे इस तरह लिख लिया, ये वही नंबर है 0 0 1 1 0 1 1 0। अब हम क्या करेंगे, इसको 2 की पावर, जैसे कि कुछ इस तरह से होता है ये, कि 2 की पावर 0 मतलब 1, 2 की पावर 2 मतलब 2 की पावर 1 मतलब 2, 2 की पावर 2 मतलब 4, 2 की पावर 3 मतलब 8। तो आप इस तरह से कर सकते हो, बाकी आप इजी तरीके से समझ जाना चाहते हो, 1 1 into 2 2 2 into 4 2 4 4 into 2 8 8 into 2 16 16 into 2 32 32 into 2 64 64 into 2 128। हमने कुछ इस तरीके से इसको लिख दिया।
अब क्या करना है हमें, अब जितने भी जगह पर वन है यानी जितने भी प्लेसेस पर वन है, हाई है कंडीशन, हम उन सबको ऐड कर देंगे। अब यहाँ पे वन है, इट मीन्स यहाँ 32, 116, ये 4। अब हम इसको एडिशन करेंगे तो यहाँ हम लिख लेते हैं 32, 16, 4 और 2। और जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 6, 4, 10 और 14 और ये हमारा 5। तो इसका आंसर आ गया 54। इसको हम कुछ इस तरह से लिखेंगे कि बाइनरी नंबर ये है इसका 0011 0110। बाइनरी नंबर टू डेसिमल हमारा आ गया है 54 का बेस 10। ओके, आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है 01100। इसको भी पहले खोल के रख लेते हैं थोड़ा सा दूर दूर, 1011000011। ये कुछ इस तरह से, फिर से इसको उसी मेथड से चलते हैं, 1 1 × 2 2, 4 4 2 8 8 2 16 16 2 32 32 2 64 64 2 128। फिर से जहाँ भी कंडीशन हाई है या फिर जहाँ भी वन है उन सबको हम ऐड करेंगे। तो ऐड के लिए हमने रखा 64 32 2 1। तो ये हो गया हमारा 9 और यहाँ पे हो गया 6 और 3 9 99। तो इसको भी हम ऐसे लिखेंगे 0110001 का बेस 2 इज इक्वल टू 99 ऑफ ये डेसिमल नंबर। ओके, होप यू लाइक दिस वीडियो। और आप बाइनरी टू डेसिमल और डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन तो सीख ही गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको हेक्साडेसिमल नंबर्स और उनका कन्वर्जन्स बताऊंगी।